कॉन्ट्रैक्ट भर्ती को लेकर संभाजी ब्रिगेड का हुआ प्रदर्शन। बाबा साहब अम्बेडकर, संत गाड़गे बाबा, तुकाराम महाराज, ये सब महापुरुष को लेके चल रहे, और ये जो विचारधारा है वो लोगों में जाने में और एक्सेप्ट करने में बहुत वक्त लगेगा। सर, आज आप धरना एवं प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो आप क्या करेंगे, अगला कदम क्या है? अगला कदम हम बता के नहीं उठाते, अगला कदम जब उठेगा तब आपको पता चलेगा, पहले बताएंगे तो कैसा होगा। जरूर उठेगा अगला कदम, लेकिन उठेगा, जरूर उठेगा। महाराष्ट्र राज्य कामगार संगठन संभाजी ब्रिगेड ने यह आरोप लगाया है कि सरकारी जगहों पर कॉन्ट्रैक्ट आधार पर नियुक्ति गलत है, इस प्रक्रिया को बंद करने की जरूरत है। मुंबई के आजाद मैदान में कॉन्ट्रैक्ट पद्धति को खत्म करने को लेकर संभाजी ब्रिगेड के लोगों का धरना व प्रदर्शन हुआ। उन लोगों ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता तो वे बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। देखिए एक रिपोर्ट। आज हम मुंबई के आजाद मैदान में संभाजी ब्रिगेड, हम अपने दर्शकों, दूर दराज के दर्शकों को बताना चाहेंगे संभाजी ब्रिगेड मतलब क्या है। मतलब यह संभाजी कहा जा सकता है छत्रपति शिवाजी महाराज के लड़के थे, जिनके नाम पर संभाजी ब्रिगेड एक दल बनाया गया था। वहीं इसका कार्य यह था कि पूरे बड़े पैमाने पर कहा जा सकता है कि कहीं अत्याचार हो रहा है या लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, तो उस जगह संभाजी ब्रिगेड कहा जाए उग्र आंदोलन किया करती थी। वहीं आज ये मुंबई का आज़ाद मैदान है जहां संभाजी ब्रिगेड के कई पदाधिकारी दिखाई दे रहे हैं जो मौजूद हैं, और आइए आज क्या मैटर है हम जानना चाहेंगे इन लोगों से। आज संभाजी ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे बीच मौजूद हैं, और कहा जा सकता है कि कई संगम, कई नदियों का जो समावेश हुआ है आज इस आज़ाद मैदान में, और बड़ा ही संभाजी ब्रिगेड का एक अहम रोल रहा है इस महाराष्ट्र की राजनीति में। बड़ो देना आखिरी आगे बढ़ो, बड़ो देना आखिरी आगे बढ़ो, पुरुषोत्तम खेड़ेकर साहब आगे बढ़ो, एडवोकेट मनोज दादा आखिर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज आप मुंबई के आजाद मैदान में धरना और प्रदर्शन पर बैठे हैं, मकसद क्या है? संभाजी ब्रिगेड के माध्यम से महाराष्ट्र में अभी आरक्षण का आंदोलन चालू है। मराठा आरक्षण हो, ओबीसी आरक्षण का संरक्षण हो, और जो जनगणना है, सब समाज की जनगणना होनी चाहिए, ये संभाजी ब्रिगेड की भूमिका है। और ये आंदोलन महाराष्ट्र भर में चालू होने के बावजूद 6 सितंबर को इस महाराष्ट्र सरकार ने एक जीआर निकाला, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे गवर्नमेंट सर्वेंट अपॉइंट करने का। अब ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगर अपॉइंट करेंगे, कोई एग्ज़ाम नहीं होगी, कोई परीक्षाएं नहीं होगी, कोई तो भी प्राइवेट कंपनी को एग्ज़ाम दे देंगे और एग्ज़ाम लेने का, और इन्होंने इनके जो मनचाहे लोग है वो लोग लेने का, या ऐसा एक बड़ा षड्यंत्र ये भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार का है। इसलिए संभाजी ब्रिगेड की मांग है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट अपॉइंट करना है, वो जो पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्ज़ाम होते हैं वो एग्ज़ाम लेकर गवर्नमेंट सर्वेंट को अपॉइंट किया जाए, और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की सब भर्ती पूरी रद्द की जाए। जो भी अपॉइंटमेंट हो वो गवर्नमेंट सर्वेंट बोल के अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, क्योंकि जो लाभ मिलता है वो गवर्नमेंट के सर्वेंट को मिलता है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो काम करने वाले लोग हैं उनको लेने की जवाबदारी ये लोग रखते हैं, लेकिन कौन से लोग लेंगे, तो इनको जो होना है वो लोग लेंगे, और अपॉइंटमेंट कहाँ देंगे, तो जो गवर्नमेंट के ऑफिसेज है उसमें अपॉइंटमेंट देंगे। तो ये पूरा गलत राह पर चल रहे हैं, संविधान की पायमल्ली ये लोग कर रहे हैं, संविधान के खिलाफ ये लोग रह रहे। इसलिए संविधान का संरक्षण करना ये संभाजी ब्रिगेड की जवाबदारी है, और जो देहात के लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, और जो गवर्नमेंट सर्वेंट बोल के जिनको बनना चाहते हैं, जो सपना उन्होंने देखा है, उनके सपने चूर चूर होने का करने का काम ये सरकार कर रही है। लेकिन संभाजी ब्रिगेड के माध्यम से एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जो सर्विसेज है उसको हम होने नहीं देंगे, ये संभाजी ब्रिगेड की भूमिका है। सर, अभी आपके सहयोगी मित्र यानी महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि आज धरना एवं प्रदर्शन का मतलब क्या था, लेकिन एक अलग हट के मेरा प्रश्न रहेगा आपसे कि संभाजी ब्रिगेड अगर कहा जाए तो छत्रपति शिवाजी महाराज के लड़के थे संभाजी, जिन्होंने इस पार्टी को आगे बढ़ाया, लेकिन आज की जो राजनीतिक स्थिति है, संभाजी ब्रिगेड का उतना अस्तित्व क्यों नहीं हुआ जितना कि शिवसेना और अन्य पार्टियों का हुआ?
संभाजी ब्रिगेड एक विचारधारा का ब्रिगेड है। यहाँ पे मैं एडवोकेट मैं भी हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, तो मैं भी पढ़ते बुक सारे। तो यहाँ पे जो संभाजी ब्रिगेड नहीं बढ़ रहा है, इसके लिए संभाजी ब्रिगेड छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे 18 जात के 18 अलौतेदार और 12 बलौतेदार को लेके चल रहे और सरकार मतलब उनके राजशाही में जैसे थे, इस धरती पे संभाजी ब्रिगेड काम कर रहा है। तो इसीलिए ये कौन से भी समाज को मतलब दुख नहीं देते, सब समाज यहाँ पे अन्ना भाऊ साठे जो साहित्य रत्न है वो देखे गए, बाबा साहब अम्बेडकर, संत गाडगे बाबा, तुकाराम महाराज, ये सब महापुरुष को लेके चल रहे। और ये जो विचारधारा है वो लोगों में जाने में और एक्सेप्ट करने में बहुत वक्त लगेगा, इसीलिए संभाजी ब्रिगेड आगे नहीं बढ़ रही है। संभाजी ब्रिगेड ये नहीं कहती है कि मस्जिद है इसके ऊपर पत्थर मारो, तो एक दिन में संभाजी ब्रिगेड पूरे देश में नहीं इंटरनेशनल न्यूज बन जाएगी। पर संभाजी ब्रिगेड ये चाहती है इस देश में सबको साथ लेके, सब धर्म के लोगों को लेके एक अमन चाहिए और सबको अपना अधिकार मिलना चाहिए, जो भारतीय संविधान है इसका अमल बजावनी होना चाहिए, ये संभाजी ब्रिगेड काम कर रही है। इसीलिए अभी मैं आज पढ़ा लिखा एडवोकेट LLM कर रहा है, फिर भी मैं संभाजी ब्रिगेड में आने का। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है, इनका यह कहना है कि संभाजी ब्रिगेड कोई दल नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, एक विचारधारा है। और यह ऐसी विचारधारा हम आपको बताना चाहेंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज के मार्गदर्शकों मार्गदर्शन पे अगर चलने वाली कोई पार्टी हो या विचारधारा हो तो वो संभाजी ब्रिगेड। हम आपको यह भी बताना चाहेंगे, जैसा कि इन्होंने कहा है कि अन्य पार्टियां जो है इस्तेमाल करती हैं लोगों का, यानी महापुरुषों का, चाहे वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का इस्तेमाल किया जाए या छत्रपति शिवाजी महाराज का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन ये संभाजी ब्रिगेड जो एक पार्टी ही नहीं विचारधारा है, जो लोगों को यह अवगत कराती है कि उनका न्याय क्या है और उन्हें न्याय दिलाने की बात अगर कोई करता है तो वो संभाजी ब्रिगेड करता है। आज ब्रिगेड की मांग यह है कि कॉन्ट्रैक्ट व्यवस्था बिल्कुल ख़त्म हो जानी चाहिए, लेकिन आज आपका क्या कहना है? ये जो GR निकला है गवर्नमेंट का, वो तो सबके खिलाफ ही है। जो यंग पढ़ रहे बच्चे हमारे सामने बताए आखिरे सामने, ये तो बात सही है, लेकिन इसका सबसे बड़ा और एक GR निकला है गवर्नमेंट का जो BMC के लिए है, महानगर पालिकाओं के लिए है। वहाँ उसने जातिवाद पैदा किया है और जातिवाद में ऐसा लिखा है ये 3 जाति को खाली देने का नौकरी, बाकी लोगों को नौकरी देना नहीं है। तो इसके खिलाफ भी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि ये GR रद्द होना चाहिए, इसलिए कि वहाँ 3 जात ऐसी बताए, वो जात के लोग BMC के अंदर 2-3 टक्के ही है। इसका मतलब है BMC की नौकरी ख़त्म करके उनको कॉन्ट्रैक्ट पद्धति देना है। इसके खिलाफ हम यहाँ उपास पे बैठे हैं और सबसे ज़्यादा आखिरे सबको हमारी विनंती है कि GR पर एक शब्द वापरा गया, भंगी शब्द, ये भंगी शब्द इस पे भी वापरना नहीं चाहिए। जिस सच्चू ने इस पे सही किया है उस पे सरकार ने कार्रवाई करनी चाहिए, अर्जुन रेवर की मांग है। संभाजी ब्रिगेड के ये महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष है, आज इनका यह मांग है कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कामगार रखे गए हैं ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ही ख़त्म कर देना चाहिए। हालांकि इनकी यह मांग है कि जो लोग जिस तरीके का काम करते हैं उस हिसाब से उनको वेतन मिलना चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट की व्यवस्था बिल्कुल ख़त्म कर देनी चाहिए, अगर नहीं होती है तो यह उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। मैं मुकेश शाही, हमारा सिटी न्यूज़, मुंबई।